कैन वी फिनिश चाहे वो रेप विक्टिम्स के लिए हो और आप मेरा प्रोमो भी देखते हैं. सो एज अ पर्सन दीपिका को बहुत मजा, मुझे एज अ पर्सन बहुत अच्छा लगता है कि अगर एज एन एक्ट्रेस मैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ सोसाइटी के लिए भी कर पाऊँ, तो ये मेरी अपने एक पर्सनल फीलिंग है. और अगर मुझे मौका मिलता है, टाइम मैं निकाल कर जरूर आने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ. और क्योंकि एक और भी इससे पहलू जुड़ा है कि सलीमा, बिकॉज शी इज़ माई गुड फ्रेंड, और वो इस स्माइल के लिए कर रही हैं, तो मुझे भी अगर मदद का मौका, मैं कुछ भी कर पाई तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. मेरी दो चीज़ें सॉर्टेड आउट हो रही है, सलीमा की हेल्प भी हो रही है और साथ में एक एनजीओ की स्माइल के स्माइल फाउंडेशन के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ. एक्चुअली सलीमा लास्ट में बच्चों के साथ चलेंगी और हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे. दीपिका, आपने आज बहुत शादी है सर, जी जी, और आपकी इस साल शादी की खबरें आ रही है. हाँ, एक्चुअली सलीमा मेरा वेडिंग अटायर भी कर रही है, सो शी वॉन्ट मी कि मैं ब्राइड की तरह ही दिखूँ, तो दैट्स व्हाई शो की ओपनिंग भी मुझसे हो रही है एज अ ब्राइड. तो वो एक था कि एवरीबडी जानते हैं सब लोग कि मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे ब्राइड के रूप में देखने में आज सबको ऐसा सलीमा का थॉट था कि सबको अच्छा लगेगा. अटायर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये सलीमा ने डिजाइन किया है, बहुत ही अच्छा जो है कॉकटेल कम बहुत सेंसुअल लुक दिया है. एज वी एवरीबडी नो कि ब्राइड को बहुत सारे काम होते हैं नॉर्थ इंडियन वेडिंग में, तो सुबह से लेकर रात तक वेडिंग चलती है, आधी रात तक, मिडनाइट तक. तो अगर आप अपने आपको हल्का रखेंगे एज इन ज्वेलरी से और हल्का कॉस्ट्यूम होगा, तो साथ ही साथ वो ग्लैमरस और सेंसुअस होगा, तो आप बहुत एलिगेंट और बहुत डिफरेंट लगेंगे. आपकी जो शादी है वो इस साल होने वाली थी, क्या प्रेपरेशन कुछ तैयारी? डेफिनेटली शादी बहुत नजदीक है, तो काफी हद तक हो चुकी हैं और मेरे मम्मी पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको बेस्ट बनाने के लिए. आप सब जानते हैं मेरा शो में जो ट्रैक चल रहा है, बहुत हार्ड वर्क है मेरा. आजकल जो भी शूटिंग चल रही है, जो मैं कैरेक्टर निभा रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट डेब्यू शो है, इसमें मुझे काफी सारे वेरिएशन दिखाने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ बहुत चैलेंजिंग होता है मेरे लिए. तो अभी मेरा प्रॉपर अभी भी मेरा ध्यान अपने काम पर है, प्रोफेशन पर है, संध्या का कैरेक्टर पर. जरा से भी मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से थोड़ा सा भी मैं उसको शेड को बिगाड़ू ना, वो मेरा ध्यान रहता है. बाकी मेरी शादी की मदद जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मिलकर बहुत अच्छे से कर रहे हैं. सवा फेस सूख रहा है.
दादा थोड़ा कैमरा बोलने का पता था बस बोले परफेक्ट।